हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर। राम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी। तो आज की वीडियो में मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ क्लास टेंथ का सीबीएसई सैम्पल पेपर में से। ये क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से लिया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, वो इक्वल डिस्टेंस पर है दो पॉइंट से। दो पॉइंट कौन से लिए हैं? ई एंड बी। देखो स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, पी एक्स कॉमा वाई is equidistant from the point A point है 5.1 and B point है मेरे पास 1.5, prove that x equals to y। इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है कि एक पॉइंट P है, वो A और B दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है और हमें क्या प्रूव करना है, x जो है वो y के इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो P x कोमा वाई पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस बोला हो उसको पहले फर्स्ट A पॉइंट के साथ हम उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे, फिर B पॉइंट के साथ हम उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे। तो क्या आएगा, ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी का स्क्वायर। ये आपकी मर्जी, आप स्क्वायर लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको अंडर रूट में भी रख सकते हो। तो क्या आ गया मेरे पास, जब मैंने A और P का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो क्या आएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बी पी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, b का पॉइंट कौन सा है 1.5 और p पॉइंट कौन सा है x कॉमा वाई। क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर। अब यहां पर मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगेन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें से जो एक्स वाली टर्म्स है उसको सेपरेट कर लेंगे और वाई वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। एक्स वाली टर्म्स को मैंने सबको लेफ्ट साइड पर मैं ले आई, कितना आ गया माइनस 10x माइनस 10x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 10y प्लस 2y। तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस 10x प्लस 2x क्या आ गया माइनस 8x और राइट साइड पे क्या आ गया माइनस 10y प्लस 2y इज माइनस 8y। माइनस 8 माइनस 8 दोनों साइड पर कैंसिल हो गए तो क्या आ गया x इक्वल्स टू y। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें प्रूव करना है x को y के इक्वल। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में मिल सकते हैं।